आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, जानेंगे इस कारोबारी सप्ताह कृषि फसलों यानी एग्री कमोडिटीज़ में क्या रुझान देखने मिलेगा। शुरुआत इस बार मसाला कॉम्प्लेक्स से करते हैं। हमने देखा कि शुरुआती नरमी के बाद जीरे ने एक अच्छा बाउंस बैक देने में कामयाबी दिखाई है। हमने देखा कि 20,800 के करीब के जो लोस थे वहाँ से दोबारा प्राइस में एक तेज़ी का माहौल बनता हुआ दिखा और साप्ताहिक क्लोज जो है वो 21,300 के ऊपर देने में कामयाब हुई हैं। तो एक जो दायरे की बात हमारी पिछले 2 या 3 हफ्तों से हो रही है जहाँ पर दायरा 20,850 से लेकर 22,200 का है, तो ऐसा लगता है इसी दायरे में फ़िलहाल प्राइजेज़ बरकरार रहेंगी। और क्योंकि हम इस दायरे के निचले छोर को छू चुके हैं और वहाँ से एक बाउंस बैक भी मिला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो निवेश मांग है वो बड़ी है और 22,200 के करीब के स्तर जो हैं आने वाले 2 हफ्तों में हमें देखने मिल सकते हैं। अगर एक हफ्ते की बात करें तो इमीडिएट तौर पर ऐसा लगता है कि 21,700 से 21,750 तक के स्तर देखने मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर जीरे में बाइंग करके चला जा सकता है। वहीं धनिया में हमने काफ़ी मिला जुला या एक सुस्त सा कारोबार देखा जहाँ पर डाउनसाइड में 11,200 और अपसाइड में 11,550 से 600 तक के लेवल हमने देखे थे। ओवरऑल एक मिक्स्ड ट्रेडिंग सेशन दिखाई दिया है। ऐसा लगता है कि ये जो नरमी है या सुस्ती है ये बरकरार रहेगी। हालांकि ओवरऑल मैं नहीं समझता कि 11,200 के नीचे प्राइसेस जाएंगी, लेकिन एट द सेम टाइम अपसाइड में 11,600 से 700 के ऊपर भी प्राइसेस का निकलना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है एज ऑफ नाउ, तो एक दायरे में कारोबार हो सकता है। वहीं हल्दी में हमने जो एक साइडवेज टू लोअर जिसे कहते हैं कारोबार होते हुए देखा, जहां पर ऊपरी तरफ 8,300 और लोअर साइड में 8,050 के करीब के हमने एक रेंज देखी है। ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेंड है ये बरकरार रहेगा और हम ऊपरी छोर पे देखेंगे कि नरमी जो है वो आती रहेगी या बिकवाली आती रहेगी। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि सेलॉन रैलीज की रणनीति अपनानी चाहिए जुलाई वायदा में भी, और ओवरऑल ऐसा लगता है कि जुलाई वायदा भी 7,900 तक के स्तरों को छू सकता है। तो मसाला कॉम्प्लेक्स में एक मिला जुला कारोबार रहेगा जहाँ पर जीरे में तेज़ी के आसार हैं, धनिया जो है वो साइडवेज रह सकता है या एक दायरे में रह सकता है, और हल्दी में एट द सेम टाइम हमें नरमी के आसार दिख सकते हैं। वहीं पर अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सोयाबीन में जिस प्रकार हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि इमीडिएट डाउनसाइड दिखता है, लेकिन डाउनसाइड जो होगा वो लिमिटेड लगता है यानी सीमित है। 6,900 से 7,000 के बीच अच्छे सपोर्ट बन रहे हैं, वो टेस्ट होंगे, लेकिन वहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ प्राइजेज़ निकलेंगी। तो उसी प्रकार हमने एक तेज़ी का रुख आते हुए देखा पिछले 2 सेशंस में, और ऐसा लगता है कि ये जो एक शॉर्ट कवरिंग जिसे कहते हैं वो मूव जारी रहेगा और अपसाइड में हमें 7,300 से 320 तक के स्तर जुलाई वायदा में देखने मिलेंगे। वहीं रिफाइंड सोयल में भी 1485 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है, ऐसा नहीं लगता कि उसके नीचे प्राइसेस जाएंगी, तो यहां से एक बार अक्यूमुलेट करना सही रहेगा और अपसाइड में 1545 तक के स्तर हमें जुलाई वायदा में देखने मिल सकते हैं। वहीं कैस्टर सीड की बात करूँ तो पिछले काफ़ी सेशन से हम देख रहे हैं कि एक दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है और निचले छोर पर 7,350, ऊपरी छोर पर 7,700 ये जो स्तर हैं नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कुछ सेशंस और यही चलेगा, यानी मैं समझता हूं कि आने वाले 2 हफ्तों तक यही एक दायरा बना रहेगा। इस दायरे के निचले छोर पे बाइंग करके चला जा सकता है और जब भी एक साप्ताहिक या वीकली क्लोज हमें 7,700 के ऊपर देखने मिले तो 8,200 तक के लिए एक मूव बनता हुआ दिखेगा। ओवरऑल जो एक मीडियम टर्म व्यू है यानी 1 से 1.5 महीने का अगर हम लेके चलें तो कैस्टर सीड में तेज़ी का रुख बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन फ़िलहाल एटलीस्ट 2 हफ्तों के लिए ऐसा लगता है कि जो दायरा है 7,300 से 7,700 का फ़िलहाल बना रहेगा।
M6 कॉटन की अगर एक जायज़ा लें तो हमने देखा कि जिस प्रकार हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि 44,000 के करीब कहीं ना कहीं एक इमीडिएट बॉटम बन चुका है और यहाँ से 48,500 तक के स्तर देखने मिलेंगे, तो उसी लाइंस पे हमने देखा कि तेज़ी के साथ एक साप्ताहिक क्लोज देने में कामयाब हुई हैं प्राइजेस। हालाँकि एक करेक्शन ज़रूर आई थी 45,000 के करीब, लेकिन उसके बाद तेज़ी के साथ पिछले 3 सेशंस में मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है और ऐसा लगता है कि 48,500 का जो लक्ष्य है वो जल्दी हासिल हो सकता है। तो ओवरऑल हालांकि 50,200 का जो एक ऑल टाइम हाईज हैं वहाँ पर वो लेवल निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बड़े से दायरे में हम आने वाले 1 से 2 महीने में कॉटन प्राइजेस को ट्रेड होता हुआ देखेंगे, जहाँ पर निचले छोर पर 45,000 और ऊपरी छोर पर 48,500 ये एक दायरा बना रहेगा जहाँ पर हम प्राइजेस को अप एंड डाउन मूवमेंट करता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि हम निचले छोर को फिलहाल छू चुके हैं तो अब ऐसा लगता है कि नीचे के लेवल से डिमांड बरकरार है और अपसाइड में 48,500 तक प्राइजेस को लेके जाने में कामयाब हो पाएंगी। वहीं पर अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमने नरमी का माहौल देखा और जिस प्रकार हमने पिछले हफ्ते एक डिस्कस किया था कि क्योंकि नियर मंथ के हिसाब से 5,900 के नीचे प्राइजेस गई हैं तो वो 5,650 तक जा सकती हैं और अगला महीना जो है वो 5,750 तक छू सकता है, तो हमने कहीं ना कहीं एक सुस्ती का माहौल यहाँ पर भी देखा है और ऐसा लगता है कि कुछ समय तक ऐसा जारी रहेगा। हालाँकि यहाँ पर भी जो डाउनसाइड है मेरा मानना है लिमिटेड है, यानी जुलाई वायदा की अगर बात करूं तो 5,600 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखता। वहीं पर ग्वार गम में जो डाउनसाइड है वो सीमित है, लिमिटेड है, ऐसा लगता नहीं कि 10,800 के नीचे प्राइसेस ज़्यादा जा पाएंगी। तो हालांकि अगले हफ्ते की या इमीडिएट जो ट्रेंड है उसकी बात करें तो साइडवेज टू लोअर कारोबार हो सकता है, यानी अपसाइड में जब भी प्राइजेज मिलें 11,500 से 600 वहाँ पर विकवाली करके चलें और 10,800 से 10,900 का एक लेवल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी ओवरऑल जो डाउनसाइड है वो सीमित रहेगा और 10,800 से 10,600 का जो ग्वारगम में एक सपोर्ट है वो प्राइजेज जो हैं वो होल्ड करने में कामयाब हो जाएंगी। वहीं पर ग्वारगम में जो एक मेजर सपोर्ट है वो बरकरार रहेगा और 5,600 के नीचे प्राइसेस जाती हुई फ़िलहाल नहीं दिखती हैं। तो ये था एक जायज़ा कि जो मेजर एग्री कमोडिटीज़ हैं या कृषि फसलें हैं उनमें आने वाले कुछ सेशंस में क्या रुझान देखने मिलेगा। धन्यवाद। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।